नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आज सिरसा के पंचायत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने की। बैठक में उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त सहित सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सांसद सुनीता दुग्गल एक्शन में दिखी और गैर हाजिर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपायुक्त को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और आगामी बैठक के लिए अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए सांसद सुनीता दुग्गल ने निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यही है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी केंद्र सरकार व राज्य सरकारी योजना से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा सहित 7 राज्यों में 3,850 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और इस योजना का लाभ ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है और इससे देश के जिन गांवों में पेयजल की कमी है उन्हें पूरा किया जाएगा और घर घर में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्कूलों में शौचालय नहीं है उन स्कूलों में शौचालय बनवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। आप बैठो जहाँ कहीं पे भी जिसको कोई कंप्लेंट नजर आए आप तुरंत प्रभाव से डीसी साहब को वो कंप्लेंट दो, एक कॉपी मुझे दो, उसको फर्दर आगे परसों मैं करूंगी, फॉलो अप मैं करूंगी। जहां कहीं जो भी अधिकारी किसी भी तरह से अगर इसके अंदर कहीं कोताही बरतता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। सीएम साहब को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या हो क्या रहा है, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो। कितनी सारी कंप्लेंट्स है आपके सामने, और भी तो ऑफिसर्स हैं, उनके भी तो काम है, क्लैपिंग भी करवाई है सबके लिए, जिन्होंने अच्छा काम किया है। क्यों ऐसी बात आपके लिए मैडम? आप कमाल की बात है, आप जो स्कूल की बात कर रहे हैं, नहीं आप पागल समझ रहे हैं क्या? मैडम मैंने क्या किया? मेरे फादर रिटायर्ड इंजीनियर हैं, मुझे पता है कि कितने बाय कितने में कितना सीमेंट चाहिए, कितना उसके अंदर रेता चाहिए और तब जाके एक सॉलिड बिल्डिंग बनती है। 3 साल के अंदर अगर इतनी बड़ी अरोनी की बिल्डिंग अगर भरभरा के गिर रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? और आप बड़े उसमें प्राउड में कह रहे हैं जी मैं ही था। ऐसा है कि ये दिशा की बैठक थी जो कि हर सांसद को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जो उसमें जिले आते हैं उसमें लेनी होती है। तो ये क्योंकि पहली बैठक थी तो इसमें सबसे जो है इंट्रोडक्शन हुई और उसके बाद जितनी भी जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और जो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं उनकी पूरी समीक्षा की गई कि वो कहाँ पर पेंडिंग है और जो हो चुकी है उनके अंदर क्या प्रोग्रेस है, जो बाकी बची है उसके अंदर क्या प्रोग्रेस है। तो ये सब के सब डिटेल में इसके बारे में समीक्षा की गई और अगली बैठक में क्या उसमें तरक्की हुई है इस बात को देखा जाएगा। और अगर कहीं कोई योजना जो है कहीं उसमें कोई पेंडेंसी है कहीं सीनियर लेवल पे, किसी अथॉरिटी लेवल पे या किसी मिनिस्ट्री लेवल पे, तो उसके बारे में भी इसके बारे में कहा गया कि उनसे फर्दर बात करके ताकि किसी भी योजना जो है ऐसी ना रहे कोई भी योजना कि जिसका फायदा हमारे आम नागरिक को ना मिले। ये जल जीवन मिशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि जल जीवन मिशन जो है वो चलाएंगे कि हर घर जल, हर घर नल, हर घर में जो है वो नल लगना चाहिए और हर घर को जो है वो जल मिलना चाहिए। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अटल भूजल योजना जो है उसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया कि 7 ऐसी स्टेट हैं जो इसके अंडर उन्होंने लिया है, कम से कम भी 3,850 गांव ऐसे हैं कि जो पानी के लिए जहां पर दिक्कत है, जिसमें हमारा हरियाणा स्टेट भी आता है। तो इसमें हमारे जितने भी जो हमारे गांव में जो है घर, उन सब के घर में जो है वो नल लगना चाहिए और वहां पर वहां से उनको पानी मिलना चाहिए। एक कमेटी ऐसी बनेगी 11 लोगों की जिसके अंदर वहां के ग्राम सचिव जो हैं, सरपंच जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो सब के सब उस कमेटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे और वो देखेंगे कि कहां पर हमारे गाँव को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से हमारे गाँव को पानी मिल कितना रहा है और अगर ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसको किस तरह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं और अगर कम मिल रहा है तो हम किस तरह से उसको और ले सकते हैं। ऐसा है कि
मुझे भी किसी ने बताया तो मैंने देखा तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतने सीनियर और सीजनड लीडर और जिनकी इतनी अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो इतने सम्मानित चौधरी देवीलाल जी के जो पोते हैं, कि वो इस तरह की बात कह सकते हैं, मुझे पहले यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे दिखाया गया तो मैंने देखा कि उसमें जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की है वो शोभनीय नहीं है, कि उनकी औकात क्या है, ऐसे बैंडते हैं, लाइक इस तरह के उन्होंने शब्दावली को इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि मेरी परवरिश जिस तरह से हुई है, मेरे संस्कार जैसे हैं, तो मैं इस तरह की तो कोई बात नहीं कहना चाहूँगी। मैं सिर्फ उनसे ये विनती करती हूँ कि वो भी जो है वो जनता के लिए काम करते हैं, हम भी जनता के लिए काम करते हैं। अगर उनको कहीं पर भी ये लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, तो वो हमें एक जो जनता ने इतनी ईमानदारी के साथ 19 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक सांसद, और कम से कम भी 7.5 लाख लोगों ने वोट दिए हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात को, मेरी इतनी सी बात को महत्व देते हुए अगर उनको कहीं लगता है, तो मुझे जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई आगे करेंगे पूरी, और हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो प्रोवाइड कराएंगे तभी हम करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करवाएंगे, कर रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ पूरी डिटेल, मेरे पास पूरी डिटेल है कि किस तरह से जो है वो STF स्पेशल टास्क फोर्स कितनी जो है किलो अफीम बरामद कर चुकी है पिछले 5-6 महीने के अंदर अंदर, कितने किलो जो है वो यहाँ से भुक्के बरामद कर चुकी है, कितनी हीरोइन, कितनी स्मैक बरामद कर चुकी है, और किस किस को पकड़ा जा चुका है, किस किस से जैप पूछताछ चल रही है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे सकती हूँ। और मैं ऐसी जो है मैं ऐसा बोल नहीं सकती हूँ, और ना मैं किसी के, मेरी राजनीति है अपना काम ईमानदारी के साथ, अपनी लाइन को बड़ा करना, अपना काम ईमानदारी के साथ करना। मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज करने में विश्वास नहीं रखती हूँ, ना किसी की आलोचना करने में विश्वास नहीं रखती हूँ, अपना काम मेहनत से करती हूँ।